कंगना रनौत को आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। जो भी उनकी एक्टिंग देखता है वो उनका फैन बन जाता है। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब लोग उन्हें पागल कहकर बुलाते थे। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए मेंटल और साइको कहकर बुलाते थे। कंगना कुछ दिनों में राजकुमार राव के साथ मेंटल है क्या की शूटिंग शुरू करेंगी। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इस फिल्म के कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए जा चुके हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि पिछले कुछ सालों से उनकी जैसी जिंदगी रही है उसके आधार पर लोगों ने उनकी गलत इमेज को सामने पेश किया। कई लोगों ने तो उन्हें मेंटल और साइको कहकर भी बुलाया। कंगना ने कहा कि वो इस फिल्म के जरिए लोगों के गलत फहमी को दूर करना चाहती हैं। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने बताया कि जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये लोगों की संकीर्ण मानसिकता पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में सफल होगी। इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें अकेलेपन के भाव और उसके महत्व को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके पहले कंगना रनौत, राजकुमार राव और एकता कपूर की तिकड़ी फिल्म क्वीन में भी नजर आ चुकी है। कंगना फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई पर बन रही फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में बिजी हैं। शूटिंग के दौरान वो सेट पर घायल भी हो चुकी हैं। इस फिल्म पर भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जा चुका है। इस विवाद पर कंगना ने कहा था कि कुछ लोग फेमस होने के लिए ऐसी बातें करते हैं।